आचार्य कबीर साहब के 8वें पद, मन रे मन ही उलट समाना की चर्चा करें। राग गौरी है इनकी सबकी, 10 के 10 होगी। मन रे मन ही उलट समाना, गुर प्रसाद अकल भई तो को नहीं तर था बेगाना। कबीर साहब कहते हैं, हे मेरे मन, मन रे मन ही उलट समाना, मन को संबोधित कर रहे। कबीर साहब की एक शैली है, कभी वो पंडित को संबोधित करते हैं, कभी वो साधु को, संत को संबोधित करते हैं, कभी वो किसी योगी अवधूत को संबोधित करते हैं, और कभी वो अपने मन को संबोधित करते हैं, कभी वो किसी आम आदमी को भाई कहकर संबोधित करते हैं। उनकी शैली है, जिसको संबोधित करते हैं उसका नाम दे देते हैं। यह मन को संबोधित किया है, मन रे हे मेरे मन, मन ही उलट समाना। मन की दो स्थितियाँ, एक प्राकृतिक स्थिति, जैसे जल होता है, जल का एक स्वभाव कि जहाँ ढलान होगी, नीचाई होगी, निम्नता होगी, उसकी तरफ वो अग्रसर होता है, उधर ही बहता है, जहाँ ढलान वहाँ जल बहेगा, उधर उसका प्रवाह होता है। मन की स्वाभाविक स्थिति भी यही है कि मन जो है अपनी छोटी बड़ी सब इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहता है, यानी मन जो है वो नीचाई की तरफ जाता है, जैसे जल नीचाई की तरफ जाता है। मन अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहता है, और इसलिए जो मन की स्वाभाविक स्थिति है वो तो अधोगति वाली है। जब व्यक्ति मन को ना समझते हुए मन के अनुसार चलना शुरू करता है तो उसका पतन हो जाता है, अधोगमन हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है नीचे की तरफ प्रवाहित होना, निम्न वृत्तियों की तरफ जाना, निकृष्टता की तरफ अग्रसर होना, क्योंकि वो उसे आकर्षक मालूम पड़ती। लेकिन यही मन एक तुच्छ व्यक्ति के पास है, वो बहुत निम्न तल के कार्य करता है, निम्न निकृष्ट। यही मन गोरखनाथ के पास था, यही मन कबीर के पास था, यही मन गुरु नानक के पास था, यही मन बुद्ध के पास था। तो मन सबके पास है, लेकिन कोई मन के अनुसार चलता है तो वो निम्न कोटि के कार्य करता है, निकृष्ट स्तर पर गिर जाता है वो, और दूसरा मनुष्य जो है वो मन को अधोगामी ना करते हुए ऊर्ध्वगामी कर लेता है, उलट देता है। उलटने का मतलब मन की जो स्वाभाविक वृत्ति है नीचे की तरफ जाने की, अधोगमन की, वासनाओं में गिरने की, उनको ऊर्ध्वगामी बनाकर ईश्वरोन्मुख करना। तो मन को उलटने का अर्थ है मन को ईश्वर की तरफ लगाना, और पहले मन क्या है, वासनाओं की तरफ उन्मुख है। तो कबीर कहते हैं, मन रे हे मेरे मन, मन ही उलट समाना। मन को यदि उलट दिया जाए, ऊर्ध्वोन्मुख कर दिया जाए, ऊपर की तरफ उठा दिया जाए, ईश्वर की तरफ लगा दिया जाए, तो वो समा जाता है। किसमें समा जाता है? शून्य में, निरंजन में, ईश्वर में, राम में, उसी के भीतर वो लीन हो जाता है। मन रे मन ही उलट समाना, मन हे मेरे मन, यदि मन को उलट दिया जाए, उसको ईश्वरोन्मुख कर दिया जाए, ऊर्ध्वोन्मुख कर दिया जाए, ऊपर की तरफ चलने वाला कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर में, जैसे शून्य निरंजन कहते हैं, उसके अंदर लीन हो जाता है। लेकिन यदि उसे उल्टे नहीं, तो वो विनाश के रास्ते पर मनुष्य को या जीवात्मा को ले जाता है। तो मन में मन ही उलट समाना है मेरे मन, यदि मन को उलट दिया जाए तो वो परम ब्रह्म में, ईश्वर में, परम सत्ता में लीन हो जाता है, समा जाता है, समाविष्ट हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु प्रसाद अकल भई तो को नहीं तर था बेगाना। मैं पहले कह चुका हूँ, गुरु का बड़ा महत्व रहा है, सिद्धों में भी, नाथों में भी, और कबीर साहब का तो कहना ही कहना। गुरु प्रसाद, प्रसाद कहते हैं कृपा, इसलिए भगवान के मंदिर में जो चीज़ चढ़ती है उसको कहते हैं प्रसाद, यानी ये भगवान की कृपा, इसे ले लो सब, सबको बांटते हैं। गुरु प्रसाद अकल भई तो को, अकल बुद्धि को कहते हैं, समझ, विजडम। गुरु प्रसाद अकल भई तो को, हे मेरे मन, तुझे तो कोई अकल नहीं थी, तू तो बुद्धिहीन था, समझ तेरे पास थी नहीं, गुरु की कृपा हुई तब तेरे भीतर समझ का उदय हुआ, तेरे भीतर ज्ञान का उदय हुआ। कब? जब गुरु ने कृपा की, गुरु की कृपा से तुझे अकल आई, ज्ञान आया, नहीं तर था बेगाना। नहीं तो तू क्या था? आवारा था, बेगाना था, लापरवाह था। नहीं तो तू आवारा था,
बेगाना था, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, आवारा था और बेगाने का अर्थ ये भी हो सकता है कि तू ईश्वर से अपरिचित था। बेगाना का मतलब पराया होता है। हे मेरे मन, गुरु की कृपा से तुझे ज्ञान की उपलब्धि हुई और तब तू ईश्वर के भीतर समा पाया, अन्यथा तो तू क्या था, ईश्वर से अपरिचित था। नेड़े थे दूर, दूर थे नीरा, जिन जैसा कर जाना। कबीर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है, नेड़े कहते हैं पास को, निकट को, नियर, कि वो ईश्वर जो है नेड़े यानी नजदीक होते हुए भी दूर है, और नेड़े थे दूर, दूर थे नेड़े, और दूर होते हुए भी नजदीक है वो ईश्वर। नजदीक होते हुए भी दूर है और दूर होते हुए भी नजदीक है, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा ईश्वर को समझ लेता है, जिसने दूर समझा उसके लिए परम ब्रह्म ईश्वर नजदीक होते हुए भी दूर है, और जिसने निकट समझा उसके लिए ईश्वर जो है दूर होते हुए भी क्या है, निकट है। जैसे सूर्य है, सूर्य की तरफ कोई मुख कर ले तो सूर्य सामने है, पीठ कर ले तो होते हुए भी उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मन की ही स्थिति है, मन यदि समझ ले ईश्वर को तो ईश्वर के दूर होते हुए भी वह ईश्वर के निकट है, या ईश्वर उसके निकट है, और यदि वो ना समझे तो निश्चित रूप से ईश्वर निकट होते हुए भी उसके लिए दूर है। जो जैसा समझता है उस ईश्वर को, उस परम सत्ता को, उसके लिए वो ईश्वर वैसा ही है। नजदीक समझता उसके लिए नजदीक है, दूर समझता उसके लिए दूर है। ये मन की स्थिति है, ईश्वर ना तो दूर है ना नजदीक है। जो जैसा जानता है या समझता है उसको, उस ईश्वर को, उसके लिए वो वैसा ही है। समझ आगे बात। नेड़े थे दूर, दूर थे नेड़े, जिन जैसा कर जान। जो जैसा ईश्वर को जान लेता है उसके लिए ईश्वर वैसा है। नजदीक समझ ले उसके लिए नजदीक, दूर समझ ले उसके लिए दूर। समझो ठीका चढ़िया बलिंडे, जिन पिया तिन माना। बड़ी उलट बासी यहाँ शुरू हो गई। ओलो ठीक देखिए आपको, यहाँ नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के या बिहार के जाओगे कभी आप, करौली वगैरह में भी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर आपको घर जो दिखेंगे वो खप्पर के बने हुए मिलेंगे। खप्परें सी लगाई हुई होती है, इतने में बड़े बड़े ईंटें होती हैं, पतली 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 पतली, हाथ जैसी पतली पतली, इतनी चौड़ी होती है, इतनी तो चौड़ाई होती है उसकी और इतनी सी मोटाई होती है, खप्पर से होते हैं। जैसे कौन कौन है आपके पास? खपरेल के बने हुए होते हैं, और वो खपरेल इस तरह से आगे से आगे जाके नीचे की तरफ होती जाती है। या यूँ नहीं समझ सकते तो यूँ समझ लो कि हम घर के पास में क्या करते हैं, छज्जा बनाते हैं, जिस गर्मी से बचने के लिए, बरसात का पानी सीधा ना गिरे उसके लिए छज्जा बनाते हैं। लेकिन ये छज्जा हमारा यहाँ होता है, नीचे होता है। यूपी में आप जाओगे तो वहाँ छज्जे क्या मिलेंगे आपको, घर की छत पर, मुंडेर पर मिलेंगे, छत के ऊपर, छत के ऊपर यूँ होंगे सीधे, तो पानी सीधा, ये छत है समझे, इससे यूँ ढलान की तरह होगी वो छज्जा, ढलान से हमारा छज्जा यूँ होता है, उनका छज्जा यूँ होता है, उससे पानी धीरे 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 नीचे आता। तो ये जो है छज्जा, इसको ओढ़ती बोलते हैं, ये जो ये हिस्सा है किनारे का, इसको बोलते हैं ओढ़ती, ठीक है। और ये जो है, ये जो किनारा है उसका, जहाँ से पानी नीचे गिरेगा बरसात का, ये तो ओढ़ती, और ये जो ऊपर का हिस्सा पूरा ढलान वाला, ये है बलेंडा। क्या बलेंडा? सामान्य नियम तो ये है कि बरसात का पानी आता है जब, तो बलेंडे से होता हुआ, ऊपर से होता हुआ नीचे ओलती की तरफ आ जाता है, और नीचे झरझर झर भरने लग जाता है, नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाता है ओलती के माध्यम से। लेकिन आता कहाँ से? ऊपर, क्योंकि बलेंडा ऊपर होता है तो वहाँ से होता हुआ आता है, मुंडेर से होता हुआ आता है, छत से होता हुआ आता है। कबीर साहब बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं, ओलो ठीका चढ़िया बलिंडे। अब जो ओलती के ऊपर पानी था, यानी नीचे यहाँ पर, वो बलिंडे पर चढ़ गया, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, मुंडेर की तरफ, यही तो उलटवासी, ऊपर जाना शुरू हो गया, जबकि सामान्य नियम है नीचे की तरफ आना, बलिंडे की तरफ, छत की तरफ चलना शुरू कर दिया। ओलो ठीका चढ़िया बलिंडे, वो जो ओलती का जल था वो क्या हुआ, स्वाभाविक वृत्ति तो यह है कि नीचे की तरफ जाए, लेकिन क्या हुआ, मान रहे मन ही उलट समाना, उसने अपनी स्थिति को क्या किया, बदल दिया, उलट दिया ऊपर की तरफ, ईश्वर उन्मुख जिसको बोलते हैं उसकी तरफ हुआ, और वो बलेंडे की तरफ अग्रसर हो गया। यानी मन की जो वृत्तियां
पहले निकृष्टता की तरफ, वासनाओं की तरफ जाती थी, वो ऊर्ध्वमुखी होने की तरफ होने के कारण क्या है, ईश्वरोन्मुख हो गई। अब वही मन जो पहले नीचे की तरफ प्रवाहित होता था, अब ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लग गया। वही मन जो वासनाओं और विषय वासनाओं में भटक रहा था, वही मन अब परम ब्रह्म शून्य निरंजन ईश्वर की तरफ जाना शुरू हो गया है। समझा गया? यानी मन जो है ऊर्ध्वोन्मुख हो गया है, पहले अधोगामी था। और लो ठीका चढ़िया बंदे, जो मन निम्न वृत्ति वाला था वो मन उच्च वृत्ति वाला हो गया है। जो मन वासना आविष्ट था वो मन भगवत भक्ति से युक्त हो गया, ईश्वर उन्मुक्त हो गया। तो उल्टी का जल बलिंडे पर चढ़ने लग गया, उल्टी बात, यानी मन ऊर्ध्वोन्मुख हो गया, उलट गया, ऊपर की तरफ ईश्वर की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, हालांकि ये स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक तो है वासना की तरफ जाना, पानी का स्वभाव है उल्टी से नीचे गिरना। कबीर साहब मैंने मन को बदल दिया, ये पानी मन जो बलिंडे की तरफ ईश्वर की तरफ प्रवाहित होने लग गया। समझा गया? जिन पिया तिन माना, फिर ये जब बलिंडे की तरफ, सहस्रार की तरफ, शून्य की तरफ, निरंजन की तरफ, ईश्वर की तरफ, जो भी नाम दे उसकी तरफ जब ये प्रवाहित होता है तो क्या है, फिर वहां से सहस्रतल कमल जो है, यही मन जब ऊर्ध्वोन्मुख हो गए, सहस्र दल कमल जो है वहां तक जब ये पहुंचता है तो वहां से क्या है, अमृत रस का श्रवण होता है और वहां जाकर के साधक की जो चेतना है वो इसका पान करती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो मन अधोगामी था ऊर्ध्वगामी हो गया और सहस्र काल कमल शून्य तक पहुंच गया और वहां से जो अमृत रस टपक रहा था उसको इसने पिया, लेकिन जो पीता है वही इसे जान सकता है, जो नहीं पीता वो इसे जान नहीं सकता। जो विषय वासना बढ़ रहा है वो ऊर्ध्वोन्मुख नहीं होगा, ईश्वरोन्मुख नहीं होगा, बलिंडे पर नहीं चढ़ेगा और इसलिए वो सहस्रकल कमल से झरने वाले अमृत रस का पान नहीं कर पाएगा। जिसने उस अमृत रस को पिया है वही उसे जान सकता है, समझ सकता है। और लो ठीका चढ़िया बलिंडे, जिन पिया तिन माना, जिसने पिया उसने ही माना, जिसने उस अमृत रस का पान नहीं किया वो इसे नहीं जान सकता। उल्टे पवन चक्र षटवेदा सुन सुरती ले लागी, अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताई खोज बैलागी। कबीर साहब कहते हैं उल्टे पवन, ये वही बात है कि पवन को उलट देना, ऊर्ध्वगामी बना देना, जो अपार वायु है उसको, पेटू में जो वायु होती है उसको ऊपर की तरफ उठा देना ताकि वो कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर प्रवेश कर जाए और फिर छह चक्रों का भेदन कर दे। चक्र षट वेधा, छह चक्रों को भेदती हुई ऊपर उठ जाती है। सुन सुरती ले लागी, ये शून्य है, इसी को निरंजन, इसी को शून्य, इसी को सहस्रकाल कमल, इसी को ब्रह्मरंध्र, इसी को अमृत कुंड, कुछ भी कह देते हैं, इसी को ही कहते हैं जो ये चोटी है। कबीर साहब कहते हैं पवन को उलटने पर चक्र षटवेदा, छह चक्रों को वो भेद डालती कुंडलिनी जो है, फिर सुन सुरती लगे, वो जो शून्य है सहस्रकाल कमल है वहां पर क्या है, वो शून्य में क्या हो जाता है, लय लागी, लगन लग जाती है, यानी उसमें मन लीन हो जाता है। लगन लगने का मतलब मन का लीन हो जाना। ठीक है, उल्टे पवन अपान वायु, पेटू के अंदर जो वायु होती है उसको उलट करके फिर जो यहाँ प्राण वायु होती है इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। जब ये आपस में मिलेगी नहीं ना तब तक कुंडलिनी नहीं जगती। कुंडलिनी के जागने के लिए अपान वायु को ऊपर की उठना और प्राण वायु जो छाती में होती है इसके साथ मिलना जरूरी है। जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक मनुष्य साधारण ही रहेगा, कुंडलिनी जागृत नहीं होती। इसलिए लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से कुंडलिनी एक आदमी की मिलेगी जरूरी। आम आदमी तो ऐसे अंधेरे में जीते, अंधेरे में मर जाता है। उल्टे पवन चक्र षटवेदा, पवन को उलटने पर वो छह चक्रों का भेदन कर देती है और सुन सुरती लगा, शून्य में क्या है, सुरती लग जाती है, मन लग जाता है, मन लीन हो जाता है। लय का मतलब लौ होता है, लगन, मन की लगन लग जाती है शून्य में। अमर ने मरे, फिर क्या है, शून्य तक पहुंचने पर, पहुंचाने के बाद, सहस्रकल कमल तक पहुंचाने के बाद क्या होता है, फिर जीवात्मा जो है वो अमर हो जाता है, चेतना उसकी अमर हो जाती है। न मरे, वो कभी मरता नहीं है, मरे नहीं जिए और ना मरता है ना जीता है, यानी दो बातें समझे, अमर वो अमर हो जाता है और मरता नहीं है, दूसरी बात मरे नहीं जिए और ना तो मरता है और ना ही जीता है, ना ही मरता है और ना ही जीता है, एक अलग स्थिति, मरे नहीं जिए। इसमें विरोधाभास अलंकार भी है, पैराडॉक्स, क्योंकि दो बातें, मरे नहीं जीवित, विरोध सा लगता है ना, मरता नहीं है जीता है, क्या बात कह रहे हैं, मरे मरे नहीं जीवित,
विरोधाभास है। हालांकि ऊपर की तीसरी लाइन में विरोधाभास है, लड़ते दूर दूर थे नेता जिन जैसा प्रजा। वही बात अगर बात हो दोनों इन लाइनों को ध्यान रखें, विरोधाभास का प्रयोग किया कभी। अमर न मरे अमर हो जाता है, मरे नहीं जीवे, और ना वो मरता है ना जीता है। या इस लाइन का ये भी अर्थ हो सकता है, वो अमर हो जाता है वो मरता नहीं है, मरता नहीं है वो जीता है, ये भी अर्थ हो सकता है। लेकिन ये अर्थ कबीर की शैली से मिलता रहे। अमर ने मरे मरे नहीं जीवे, वो अमर हो जाता है मरता नहीं है और ना मरता है ना जीता है। ईश्वर में लीन हो जाने का मतलब क्या, मतलब जीने का मतलब तो ये होगा हमें जीवन मिलेगा, मरने का मतलब ये जीवन मिलने के बाद हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन कबीर कहते हैं जब शून्य में लीन हो जाता है भक्त साधक आत्मा, तो उस समय क्या होता है, वो ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। अब आगमन से मुक्त है इसलिए मरे नहीं जिए, ना मरता है ना जीता है, यह ठीक है। ताही खोज बैरागी, हे बैरागी हे साधु, तो उसी स्थान को खोज ले जहां पर पहुंचने के बाद में जीवात्मा ना जन्मता है ना मरता है, उसी स्थान को खोज ले। अच्छा बिलो फिर पढ़ा, अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताही खोज बैरागी, उसी स्थान को तू खोज ले जहाँ पर पहुँचने पर ना जन्मता है ना मरता है, अमर हो जाता है जीव। अनभे कथा कवन सो कही, अनभे जिस अनुभव को मैंने प्राप्त किया है, अनुभव यानी अनुभव एक्सपीरियंस, जिस अनुभव को मैंने प्राप्त किया है ये कथा किससे कहें, क्योंकि किसी को भी मैं मेरा अनुभव बताऊँगा तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि ये अनुभव दूसरों का नहीं है, इसलिए कोई क्यों मानेगा। जिसने इस अनुभव को लिया नहीं है, इस आनंद को जाना नहीं है, वो व्यक्ति मेरे द्वारा कही हुई कथा अथवा बात को मानेगा नहीं। अनभे कथा कवन सो कही, इस अनुभव की कथा मैं किससे कहूँ, क्योंकि कोई भी मानेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का अनुभव ब्रह्म ज्ञानी का होता है, साधारण मनुष्य का नहीं होता, और साधारण मनुष्य तो यही समझेगा कि ये पागल हो गया झूठी बातें कह रहा है। अनभे कथा कवन सो कही, किससे कहूँ, है कोई चतुर्विप की कोई भी मुझे चतुर और विवेकवान मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात चतुर समझदार और विवेकवान यानी ज्ञानी मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं मेरे अनुभव की बात किससे कहूँ, क्योंकि जो है सारे मूर्ख हैं और साधारण लोग हैं, इसलिए मेरी बात को समझेंगे नहीं। कोई भी चतुर और विवेकवान प्रज्ञावान पुरुष दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए किसी से भी इस अनुभव की कथा कहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या किससे कहूँ, तो कोई भी चतुर और विवेकी पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। कहे कबीर गुरु दिया बड़िता, बड़िता से एक शब्द बनाओ जिससे समझने में आसानी रहेगी, बड़िता और तो बोलते थे बड़ी तो लेना ही लकड़ियाँ आया ऐसे कचरा लेकर बड़ी तो हो, ये पलिकता से बना हुआ सकता है। पलिकता क्या होता है कि जैसे कपड़े या घास या इस तरह की चीज़ों से बना एक बत्ती सी बना ली जाती है, बट बट के इसको बत्ती सी बना ली जाती है, फिर उसमें आग लगाई जाती है, उसको बोलते हैं पलिकता, पै का पै बढ़ गया, इसलिए पलिकता बोलते हैं, क्योंकि जलने वाली चीज़ को बड़ीता बोलने लगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन मतलब क्या होता है कि किसी भी रुई या कपड़े इत्यादि से बनी हुई कोई चीज़, ठीक है, जैसे कि लकड़ी जलानी है तो उसमें क्या करता है कि लकड़ी के चारों तरफ पहले कपड़ा है इस तरह की चीज़ें लपेट देता है, इसको बोलते हैं पलिता, पैसे बलिता बन गया बात, इसलिए जलाने वाली चीज़ों को फिर बाद में धीरे धीरे बलिता ही बोलने लगे, लकड़ी वगैरह बड़ी तो रहेंगी। कहे कबीर गुरु दिया पलिता, कबीर कहते हैं मेरे गुरु का बड़ा योगदान है इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने ये अनुभव मुझे प्रदान किया है, गुरु ने पलिता दिया, क्या दिया, पलिता आग, आग प्रदान की, और फिर क्या हुआ, उस आग से मेरी सारी वासनाएं नष्ट हो गई और मुझे ईश्वर का ज्ञान या साक्षात्कार हो गया। गुरु ने आग लगाई जिसमें वासनाएं जल गई और ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, सो झड़ गिरले देखिए, और जब पलिता दे दिया जाता है, कपड़ा लगा दिया जाता है और कपड़े में आग लगा दी तो उसमें झड़ उठती है, आग उठती है, कहता है झड़, मतलब आग की लपटे तो उसको झड़ बोलते हैं, इसलिए जो आग की लपटों में मक्की सेकी जाती है झड़ में कर दी, अहंकारों को रहो तो झड़ में नहीं होते, सो झड़ बिगड़ जाएगी। कभी कहते हैं गुरु ने जो अग्नि प्रज्वलित की ज्ञान की, उसमें सारी वासनाएं जल के राख हो गई, मुझे ईश्वर का ज्ञान हो गया, लेकिन गुरु के द्वारा प्रदान की गई उस अग्नि की लौ को किसी बिरले व्यक्ति ने ही जाना या देखा है, हर व्यक्ति का यह अनुभव नहीं है। यानी गुरु ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करता है शिष्य में और उससे सारी वासनाओं का राख या
क्षार हो जाती है वासनाएं जल करके, और साधक जो है, शिष्य जो है, वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है। तो गुरु ने जो पड़ीता दिया है, आग लगाई है, उसके झड़ को कोई बिरला व्यक्ति जानता या देखता है? हर किसी व्यक्ति के बूते की बात नहीं।